रीट मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको SSO ID पर जाना होगा। यहाँ अपना यूज़र नेम पासवर्ड और ये कैप्चा डाल करके खोलना होगा। तो यहाँ से फॉर्म भरा आएगा प्राइमरी लेवल का और सेकंड लेवल का यहाँ से आएगा भराऊँ, और जिन्होंने यहाँ से भर दिया है उनका यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से यहाँ से भरना होगा उनका। फिर इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें बेसिक डिटेल भरनी होगी आपको। इस वाले ऑप्शन से बेसिक डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अगर गलत भरा हुआ आ जाता है फॉर्म तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करेक्शन करने का ऑप्शन होगा। जब आप फाइनल सबमिट करोगे ये परफॉर्मेंस के बाद, यानी कि जब आप ज़िले भर दोगे, 30 ज़िले भर दोगे, उसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा फाइनल का ऑप्शन। जब फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में, चेक करने के लिए दिया जाएगा आपको पूरे आपने क्या डिटेल भरी है। फिर उसके बाद फाइनल करना होगा, फाइनल में ही आपको ये चेक करना होगा कि आपका सही है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो आप फिर से उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट होने के बाद में कोई अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आ जाएगी, फिर यहाँ पर्सनल डिटेल आ जाएगी जो भी तुम्हारी है, कहाँ के रहने वाले हो वो सब। फिर उसके बाद में यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, यहाँ क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं की आएगी, लेवल 2 के लिए 10वीं और ग्रेजुएशन यानी कि BA या फिर BSc की आएगी, और फिर इधर आएगी BEd की। तो ये 3 मार्कशीटों की आपको ज़रूरत पड़ेगी भरने के लिए, और जिनका लेवल 1 है उनका BSc तो उनकी होगी नहीं, तो यहाँ पर 12th आएगी, 12th का आएगा, उनके नंबर डालने हैं और डिटेल्स है मार्कशीट की वो डालनी है। फिर इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे तुम्हारे फ़ोटो और साइन डालने होंगे, और आपकी पहचान चिन्ह डालना होगा जो चेहरे पर आपके शरीर पर जो भी है। फिर जब प्रीफेरेंस में यहाँ पे आपको 30 ज़िले भरने हैं, वरीयता के हिसाब से आपको पहला कौन सा चाहिए उसी हिसाब से। फिर इसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर देना और फिर चालान कटेगा। चालान कटने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।